आफ्टर द ब्रेक मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं हेल्थ एक ऐसा डायरेक्ट डायल शो जिसमें आपको मिलता है आपकी समस्याओं का समाधान दूरभाष के माध्यम से बस आपको हमें कॉल करना है ऑन जीरो वन टू नाइन फोर जीरो डबल एट वन फाइव टू क्योंकि आपकी सहायता के लिए यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर प्रताप चौहान तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हाँ जी विरुद्ध तो विरुद्ध विरुद। विरुद भोजन की हाँ हम बात कर रहे थे हाँ तो मैंने आपको देश विरुद्ध कालो विरुद्ध इसी प्रकार से जो है आ, मात्रा विरुद्ध होता है कई चीजें जो है उनकी मात्रा अगर गलत हो जैसे कि आपने शायद सुना होगा कि हनी और आपका जो शहद के साथ अगर घी को मिलाया जाए जी। बराबर मात्रा में तो वो एक तरह से टॉक्सिक होता है अच्छा हाँ तो इसलिए वो इक्वल मात्रा में नहीं मिलाना पड़ता अनइक्वल में ले सकते हैं मतलब एक चम्मच घी और दो चम्मच शहद मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा लेकिन एक एक चम्मच होगा तो वो गड़बड़ करता है वो अच्छा। विरुद्ध हो जाता है जी। मात्रा विरुद्ध उसको बोलते हैं इसी प्रकार से दोष के विरुद्ध भी होता है आपकी पित्त प्रकृति है और आप जो है पित्तवर्धक भोजन खा रहे हैं तो आपके दोष के विरुद्ध है वो प्रकृति होती है ना हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है जी। कफ वाले लोग अगर केवल कफवर्धक भोजन खाएंगे तो उनकी प्रकृति के विरुद्ध है एक होती है संस्कार विरुद्ध मतलब जो आपकी प्रोसेसिंग होती है फूड की जैसे कि दही है दही को कभी गर्म नहीं करना चाहिए लेकिन आजकल मैं देखता हूँ विशेष तौर पर पंजाब में मैंने एक प्रचलन देखा है कि थोड़ा सा तेल लेते हैं उसमें जीरा वगैरह डाल करके और फिर ऊपर से दही डाल देते हैं जैसे तड़का लगाते हैं ना तो दही को तल के और तब खाते हैं। <laughs> तो ये बिल्कुल संस्कार विरुद्ध इसको बोलते हैं जी, जी. तो इस प्रकार से ये जो सारी चीजें हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होते हैं जी हेलो नमस्कार जी वेलकम टू इटर्नल हेल्थ आपका शुभ नाम जी. जी मेरा नाम फरदाना हमेगा कहाँ से बोल रही हैं आप अलीगढ़ बताइए क्या समस्या है आपकी आपका वजन तो नहीं बढ़ रहा है कुछ वजन लगातार बढ़ रहा है और मेरा जो है का भी प्रॉब्लम है हाँ, देखिए हमने प्रश्न इसलिए किया आपने कहा कमर दर्द होता है कमर जी? के साइड में दर्द होता है तो एकदम हमारा ध्यान गया कि कहीं ज्यादा फैट तो नहीं हो गया बहुत ज्यादा फैट बढ़ने मेरा साठ था लगातार अब हो गया हाँ तो ये बहुत इसको सबसे पहले वजन को रोकना है देखिए हम कारण को ढूंढ के और उस कारण को पहले ठीक करते हैं ना केवल आपको दर्द की दवाई चाहिए सबसे पहले हाँ। आपके वजन को रोकना आपने कहा थायराइड भी आपका बढ़ा हुआ है तो थायराइड का इलाज भी हमारे पास है आयुर्वेद में आपको आठ दस महीने दवाई खानी पड़ेगी और साथ में जो है एक नुस्खा आपको मैं अभी बताता हूँ ये तो आज से शुरू कर दीजिए आप आपको जो है एक तो सुबह उठ करके करीब आधा लीटर गर्म पानी लें उसमें एक नींबू पूरा निचोड़ दें और एक बड़ा चम्मच शहद का मिला करके आपको सेवन करना है ये तो सुबह सुबह करेंगे उसके साथ दिन भर में जब भी आप कोई भी भोजन कर रहे हैं उस समय गुनगुना पानी पीना है और ठंडा पानी नहीं पीना है कोई भी दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी मिठाई नहीं खानी और बहुत तली हुई चीज़ें नॉनवेज इत्यादि बिल्कुल हंड्रेड परसेंट बंद कर दीजिए और नंबर तीन चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी जो है कि बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचिंग चाहिए वॉकिंग चाहिए कुछ एक्सरसाइज चाहिए जो आपका जो फ़ैट जम गया है जो आपके स्रोतस बंद हो गए हैं उनको खोलने के लिए एक और नुस्खा आप लिख लीजिए सौंठ काली मिर्च और पिपली त्रिकटु चूर्ण इसको बोलते हैं त्रिकटु, त्रिकटु चूर्ण जो है एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को गर्म पानी से सेवन करेंगे तो अंदर से फैट कैरिंग चैनल्स आपकी खुलेंगी वज़न भी कम होगा थायराइड में भी फ़र्क पड़ेगा आपका दर्द भी ठीक होगा जो लोकल जो एरिया जहाँ कमर में और साइड में आपको दर्द होता है उसमें एक तेल जो है आप जो बना लीजिए लहसुन और अदरक और अजवाइन तीन चीज़ों को तिल के तेल में पका करके एक तेल तैयार करिए और उस तेल से मालिश करो और थोड़ा सिकाई करिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक आपको शहद वाला पानी त्रिकटु चूरण तेल शहर का पानी पे लेती बात बहुत अच्छी बात है लेकिन जो आपका मूल कारण है थायराइड उसके लिए आप हमारे संपर्क करें और आपको दवाई भेजेंगे आठ दस महीने निरंतर आपको दवाई खानी पड़ेगी थायराइड जब तक ठीक नहीं होगा आपका ये रोग ठीक नहीं होगा तब तक अच्छा तो दवाई का पेमेंट कितना होगा ये कुछ आप वो सब आपको फोन पर बता दिया जाएगा सब चीज़ जब आपका वो बनेगा प्रिस्क्रिप्शन उसके हिसाब से वो बताएंगे आपको कोई निश्चिंत रहिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी घर बैठे ठीक है अच्छा। जी हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुड बाय ठीक है तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि लोग शॉपिंग पर कपड़ों पर जूतों पर कितना खर्च करते हैं लेकिन अपनी सेहत के लिए ही मतलब सेहत को बेहतर बनाने के लिए इतना कतराते हैं बिल्कुल तो दिल्कुर। बहुत ही गलत बात है और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आमतौर पर जब हम भोजन खाते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए देखिए मेन चीज है कि आजकल एक बड़ा प्रचलन है कि ठंडा खाना खाते हैं लोग आजकल ये सैंडविच और क्या क्या चीजें मिलती हैं जो रेडीमेड ठंडा नहीं लिखा है आयुर्वेद में क्योंकि अग्नि है ना आपकी अग्नि पर आप कोई भी चीज ठंडी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी तो हमारे यहाँ लिखा है उष्ण भोजन मतलब गरम गरम खाना चाहिए थोड़ा सा स्निग्ध होना चाहिए लुब्रिकेटेड होना चाहिए ये नहीं की बिल्कुल रूखा सूखा खा रहे हैं वो भी वायु का प्रकोप करती है खाना जो भी खाएं उसको अच्छी तरह से चबा चबा करके खाएं। जी। ना बहुत जल्दी से खाएं और बहुत स्लो भी ना खाएं ऐसा लिखा हुआ है आयुर्वेद में टीवी देखते हुए ना खाएं मोबाइल पे फोन करते हुए ना खाएं गॉसिप करते हुए आजकल कर देखते हैं लोग खाना खा रहे हैं और गप्पे चल रही हैं आधा पौना घंटे तक बातचीत चल रही है उनकी ये ना खाएं जब तक पिछला भोजन ना पच जाए तब तक अगला भोजन ना करें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पेट में अभी हैवीनेस बना हुआ है भारीपन बना हुआ है अगर आपको ये लक्षण बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, तो कम से कम चार या पाँच पाँच घंटे करेंगे तो बहुत अच्छा है वैसे छः घंटे लगते हैं आयुर्वेद के अनुसार पूरा भोजन पचने में लेकिन पाँच घंटे के बाद या साढ़े चार घंटे के बाद भोजन करना चाहिए उससे पहले बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी जी इसी प्रकार से जो है अगर हम ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे जो भोजन के नियम जो होते हैं तो क्या होता है कि भोजन पूरा पचता नहीं है और फिर क्या बनता है आम, आम बनता है।, है और वो जो आम बनेगा वो तमाम तरह के रोगों को पैदा करता है जी जी। अनेकों प्रकार के रोग शरीर में तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि भोजन करते समय छोटी छोटी, छोटी चीजों को सावधानी में आजकल इसका कोई ध्यान नहीं है अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि खाना खाते समय टीवी देख रहे होते हैं जी ये तो बहुत ही गलत बात है इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है जी तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी दे सके देखिए सबसे विशेष टिप्पणी यही है कि जो आपका भोजन है वो केवल आपके स्वाद के लिए नहीं है भोजन के बारे में मैंने जैसा कि कहा कि फूड इज लाइफ एंड फूड कैन बी पॉइजन ऑल्सो तो उस फूड को जो है अमृत बनाना आपके हाथ में है जितना आप अच्छे प्रकार से जो हमने बातें की उनका पालन करेंगे तो वही भोजन जो है आपको शतायु बनाएगा आपको सौ वर्ष तक जीवन देगा नहीं तो वही भोजन जो है आपके प्राण हर लेगा हो सकता है तीस साल की उम्र में चालीस साल की उम्र में आजकल तो चालीस पचास के बीच में बहुत लोगों को डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक ये सब आ रहा है तो ये सब कारण हमारा खाने से ही जुड़ा हुआ है इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि ये जो बातें हमने आज आपसे की हैं इनका पालन कीजिए और अपने जो है स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाए रखिए ताकि आप स्वस्थ रहें आपका परिवार सुखी रहे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी तो दोस्तों एपिसोड खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नोट कर लीजिए हमारा पता जीवा आयुर्वेद जीवा मार्ग सेक्टर 21 बी फरीदाबाद हरियाणा पिन 121001 इंडिया हमारा ईमेल आईडी है इन्फो एट जीवा डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू हमारा फोन नंबर है जीरो वन टू नाइन फोर जीरो डबल एट वन फाइव टू फ्रेंड्स आपका स्टमक एक डस्टबिन नहीं है इसलिए कुछ भी खाने से पहले सोच लीजिए क्या ये आपके हेल्थ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा फिर ही उसको मुंह में डालिए और सिर्फ खाने तक ही ये बात सीमित नहीं है आप क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं योर माइंड हैज़ टू बी पॉजिटिव योर फूड हैज टू बी पॉजिटिव तभी आपकी हेल्थ में आपको मिलेगा पॉजिटिविटी तो कर लीजिए ये इरादा कर लीजिए अपने आप से ये वादा किसी भी चीज़ से ज़्यादा ख्याल रखेंगे अपनी सेहत का इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन गुड बाय नमस्कार